हमारा देश 130 करोड़ का देश, एक साथ है, हम साथ में ये पिक्चर को सर आंखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका भी जवाब? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूंगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए वो कई धमकियां आई, मुझे भी धमकियां मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श अहिंसा सच्चाई एंड शांति पे विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज्य को मार देंगे, राज्य मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं है, न गांधी जी के फॉलोअर हैं। इनसे ज्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने दो फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक, दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना जमीर, जमीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं, उसी पे बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से, इफ आई टू चूज वन बिटवीन वायलेंस एंड कवर्ड आईज, आई विल चूज वायलेंस, आई विल स्टैंड प्राउड विद ब्रोकन लिम्स एंड बैंडेज हेड, देन क्रॉल ऑन द ग्राउंड हेल एंड हेल्दी। ये सब गांधी जी का कोट है कि व्हाट टू से, बुजदिली और अहिंसा में बहुत फर्क है, कई लोग अपनी बुजदिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपने कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं, तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस, उस वक़्त जैसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पर गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था, उनका एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलोसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम थे, उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊं, मैं डर जाऊं, तो कैसे इंसाफ करूंगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊंगा। मुर्दाबाद गए वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद गए वो भी स्वीकार है मुझे। ये चेहरे